ओम शांति। अव्यक्त मुरली, थर्ड में 1977। प्रश्न है, लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? नरेश में लास्ट का पुरुषार्थ दोनों भी पूछा है। लास्ट का पुरुषार्थ कौन सा है? नष्टमोह। और लास्ट की सर्विस विहंग मार्ग की सेवा। लास्ट का पुरुषार्थ एक सेकंड में क्या? उड़ जाना। और लास्ट की सर्विस बेहद की कौन सी सर्विस? सकाश की सर्विस, बेहद की सर्विस और एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। और प्रकाश भाई, लास्ट की सर्विस कौन सी है? दृष्टि द्वारा सर्विस, नयन द्वारा सर्विस, मस्तक द्वारा सर्विस। और कौन सी सर्विस है लास्ट की? आत्माओं को बेहद का वैराग दिलाना। बिना तुम्हारे बेहद के वैराग के संसार की आत्माओं को सुख शांति मिल नहीं सकती, उनकी परेशानी मिट नहीं सकती। अगले संडे की मुरली। और अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, लाइट के कार्प के शरीर द्वारा सेवा, एंजेलिक बॉडी के द्वारा सेवा, सटल बॉडी के द्वारा सेवा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सेवा, फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सेवा, मस्तक मणि के द्वारा और नैनो द्वारा सेवा। और विठल भाई, लास्ट की सर्विस कौन सी है? मनसा सेवा। लास्ट की सर्विस कौन सी है? नजर से निहाल। लास्ट की सर्विस कौन सी है? एक सेकंड में आत्माओं को उड़ा देना, बाप का परिचय दे देना और एक सेकंड में साक्षात्कार करा देना और दूसरों को शरीर से मुक्त कर देना, डिटैच, सबको मुक्ति धाम में भेज देना। और लास्ट सर्विस फरिश्तेपन का अनुभव कराना। और श्रद्धाविन, सबकी इच्छाएं पूर्ण करना, जिसको जो चाहिए वो उसको दे देना, सब में फेथ, निश्चय, श्रद्धा पैदा करना। किस बात की श्रद्धा? भगवान के प्रति। जो नास्तिक है उनको आस्तिक बना देना। और लास्ट समय की सेवा, एक सेकंड में बाप का परिचय, एक सेकंड में बाप का प्यार, बाप की मदद, बाप की छत्र छाया का अनुभव करा देना और अपनेपन की अनुभूति करा देना। सबका भय दूर करना, संसार को अभयदान देना, संसार भय है, सबको माफ कर देना, वो हमारे लिए ज्यादा हो गया उनके लिए क्या करेंगे? दूसरों के पापों को, विकर्मों को, कुकर्मों को, कार्मिक अकाउंट्स को अपने योग बल के द्वारा, अपनी मनसा शक्ति के द्वारा भस्म कर देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। एक तो है स्वयं के पापों से स्वयं को मुक्त करना, स्वयं के विकर्मों से स्वयं को मुक्त करना। दूसरा है संसार की आत्माओं को उनके विकर्मों से मुक्त करना, क्योंकि वो असमर्थ है, दुखी है, निर्बल है, निरीह है। इतना सामर्थ्य, साहस, शौर्य, नैतिक बल, मॉरल करेज उन आत्माओं में नहीं। और क्या करना? भटकती आत्माओं को क्या दे देना? कौन सा ठिकाना? यही है, यही है, यही है अनुभव करा देना। बस यही आ जाओ, सब छोड़ दो, त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर राजयोग की राहों में। और आशीष भाई, लास्ट समय की सर्विस कौन सी है? सबको शफा देना। और क्या करना? मीना सिस्टर, लास्ट समय की सर्विस कौन सी है? क्रिटिकली इल पेशेंट को क्या करेंगे? संसार के, संसार ही आईसीयू बन जाएगा, क्या करेंगे? और लास्ट समय का पुरुषार्थ कौन सा है? लास्ट समय का पुरुषार्थ, अंतिम आठ पेपर आने वाले हैं। इस पर कभी क्लास हुई है? यहां नहीं हुई ना। इस पर भविष्य में क्लास होनी चाहिए। लास्ट एट पेपर्स, अंतिम समय में आने वाले आठ पेपर कौन कौन से हैं? किसी भी मुरली में एक जगह लिखा हुआ नहीं है, बिखरी पड़ी है मुरलियां, कहीं चार लिखे हैं, कहीं दूसरे चार लिखे हैं, संकलन करके
उस पर कभी चर्चा होगी यहां पर। तो लास्ट पुरुषार्थ कौन सा है देवेंद्र भाई? लास्ट पुरुषार्थ अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, और लास्ट पुरुषार्थ कोई वार करने आए और अभी उनको बिंदी दिखाई दे। अगले संडे की मुरली में कहा, सारे संसार अगर तुमसे क्रोध करे, नफरत करे, पर तुम स्नेह के सागर बन जाओ और क्या करो अरविंद भाई, बेफिक्र बेफिक्र रहो, बेपरवाह रहो, वो चाहे कितना भी ये करे, पॉजिटिव वृत्ति रखो दीदी जैसा। और माता जी किधर है? हाँ, लास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? सेकंड में अशरीरी हो जाना और कर देना दूसरों को, होना और कराना। अव्यक्त मुरली 3577। आजकल उत्तर है, आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए, वह सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। कौन सा पुरुषार्थ है लास्ट? वृत्ति से वायुमंडल को क्या करना? वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ, मेजॉरिटी शब्द बाबा ने हमेशा मेजॉरिटी ही प्रयोग किया है, अधिकांश, बहुसंख्य ऐसा कभी नहीं बोला है ना, मेजॉरिटी। तो ये उसमें ऐड कर दो अपनी लिस्ट में, इंग्लिश वाली लिस्ट में, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना यह अति आवश्यक है। ऐसी आत्माओं को क्या देना है? हमारी वृत्ति से शक्ति देनी है, बल देना है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते हैं, अभी हम सब फुल हो गए हैं। क्या समझते हैं? फुल हो गए। किससे फुल हो गए? वाणी सुनकर फुल हो गए। किससे? ज्ञान से। ज्ञान बहुत समझ लिया, ज्ञान बहुत सुन लिया, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते, वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। तो वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। वायुमंडल पावरफुल होने से क्या हो जाएंगे? सब सुरक्षित, सबका परित्राण होगा, रक्षा होगी, आत्मरक्षा। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले, और महादानी का अर्थ है वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज, स्टेज को हमेशा स्टेज कहा है, वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहे वह कर सकते हो। तो सबसे पावरफुल सेवा कौन सी है? वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा, वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा। सबसे पावरफुल सर्विस कौन सी है? वृत्ति से आत्माओं को शक्ति, आत्माओं में शक्ति भरने की, बलवान बनाने की। कौन सी है? वृत्ति से आत्माओं को सेफ करने की। आत्माएं असुरक्षित है, इनसिक्योरिटी में है, भय में है, डर है हर चीज का, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इतना भय समाया हुआ है कि वो बोल भी नहीं पाती, मौन है अपने भय के विषय में, मुख अवस्था है, स्तब्ध है, शॉक में है, सदमा जैसे लगा है किसी को, इतनी भयभीत है आत्माएं। तो ऐसी भयभीत आत्माओं को अभयदान देना, ऐसी निर्बल आत्माओं को शक्ति देना, ऐसी असुरक्षित आत्माओं को सुरक्षा कवच देना, आत्म सुरक्षा देना, सिक्योरिटी देना। तो ये सब किससे होगा? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। आने वाले संडे की जो मुरली है पार्ट टू, पूरी इसी के ऊपर है। 2015 में जो पत्र पुष्प था, उसमें दो होमवर्क दिए गए थे। उसका सेकंड होमवर्क जो है वो पूरा के पूरा उठा के उसका अव्यक्तवाणी बनाया है।
पत्र पुष्प से उठाई हुई है वो बातें, उसमें तो बहुत सारी पॉइंट्स है, उसमें से 8 पॉइंट्स निकाल के एक के नीचे एक जोड़कर वो सेकंड पॉइंट बनाई है जो आने वाले संडे की मुरली है। तो क्या करना है, वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। वृत्ति अर्थात क्या, वृत्ति पर इसके पहले भी बोला है, वृत्ति अर्थात निखिलेश भाई वर्तुल, वृत्ति अर्थात रिपल्स, वृत्ति अर्थात तरंगे, वृत्ति अर्थात वर्लपूल, वृत्ति अर्थात इडी, वृत्ति अर्थात वोर्टेक्स, भवर। ये स्वामी विवेकानंद ने एक जगह वृत्ति को एक्सप्लेन किया है अमेरिका के एक क्लास लेक्चर में। मन एक झील है, हमारे लिए नक्की झील, मन एक झील है, इन द लिम्पिड लेक ऑफ माई माइंड, एक शांत झील। जब इस झील में कुछ गिरता है, कोई पत्थर, कोई कंकड़, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई द्वेष, कोई आवेग, कोई एक्साइटमेंट, तब क्या होता है, तरंगे उठती है। ये जो तरंगे है, दिस, ये जो मन है, मन ही को चित्त कहा गया है। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ द चित्ता इज नोन एज वृत्तिज। ये जो तरंगे उत्पन्न होती है मन के शांत, मन के निस्तरंग झील में, उन्हें वृत्ति कहा गया है। एक ये परिभाषा है वृत्ति की, वर्तुलाकार। वृत्ति अर्थात वर्तुल, अर्थात ऑर्बिट, अर्थात सर्कल, तरंगे। मन शांत है और योग का लक्ष्य है मन को सभी वृत्तियों से मुक्त कर देना, शांत कर देना, उसी को समाधि कहा गया है। चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः, पतंजलि योग सूत्र चालू ही वहां से होता है। चित्त वृत्ति निरोध हो जाना, कंट्रोल में आ जाना, वश में आ जाना, हमारे वशीभूत हो जाना, हम उनके मालिक हो जाए, फिर चित्त वृत्ति हमें हलचल में ना लाए। ये एक परिभाषा है वृत्ति की। दूसरी परिभाषा है कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, चेतना में जो कुछ भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सम टोटल, कैच ऑल टर्म है, ये एक शब्द है। इस चेतना में, कॉन्शियसनेस में जो कुछ समाया हुआ है उसको साइकोलॉजी ने वृत्ति कहा है, मनोविज्ञान उसे कहता है, वो वृत्ति है। इज अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग विच इज इन द कॉन्शियसनेस, चेतना में जो कुछ समाया हुआ है उसमें मुख्य रूप से लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है, और व्यक्ति इन्हीं के इर्द गिर्द उसका जीवन घूमते रहता है, वृत्ति के वश होता है, कभी ये पसंद आता है, कभी वो पसंद नहीं आता है। ये एक सेकंड परिभाषा। एक थर्ड परिभाषा है सर्कल्स और चक्र के हिसाब से। शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, उसको चक्रों में विभाजित किया गया है। सबसे नीचे मूलाधार से चालू होता है, ऊपर सहस्त्रार। ये इस स्थूल शरीर में कहीं नहीं है। शरीर को डिसेक्ट करो, काटो, शवच्छेदन, डिसेक्शन से कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं ये सूक्ष्म तल पर है, जो हमारा सूक्ष्म तल है उसमें सूक्ष्म शरीर है। बाबा ने चक्रों के विषय में कभी किसी मुरली में चर्चा नहीं की है। हाँ, कभी कहा है 7 मंजिल साकार मुरली में आता है, वो लोग प्राणायाम चढ़ाते हैं और 7 मंजिल पार करते हैं, ये यहां तक आया है बस। पर कुंडलिनी जागरण वो सब कभी नहीं आया, 7 चक्र है ये कभी नहीं आया। एक एक चक्र की अपनी अपनी वृत्तियां है। सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार, वो काम वासना की तरफ भागता है, बस उसी में उसकी खुशी है। और मूलाधार के ऊपर मणिपुर, स्वादिष्टान। अधिकांश मानवता 90% इन्हीं 3 चक्रों पर जीती है, काम विकार, भोजन, सत्ता, बस इतना 3 मिल जाए। काम विकार भोजन में ही रस है, भोजन के ऊपर उठती ही नहीं है,
उसे यही नहीं पता है वो खाने के लिए जी रही है जीने के लिए खा रही है। ये अपने आप से पूछने का प्रश्न है। यहां पर ये तीन ही तल पर सबसे लोएस्ट तल है, यहीं जीती है बस। 90% मानवता यहां जी रही है। सारी बुद्धि है पैसे कमाने में, भोजन में, सत्ता, पावर, पॉलिटिक्स, इपिक्यूरियन लाइफस्टाइल, चरवाक सिद्धांत। चरवाक सिद्धांत कहता है ना, खाओ पियो मौज करो, अगर घी नहीं है तो दूसरों से घी उधार लो और खाओ, पर मौज करो, नहीं तो जीवन बहुत छोटा है, जीवन हाथ से निकला जा रहा है, कब मौज करोगे। संसार उसी के लिए है। इसको भारत में कहा गया है चरवाक सिद्धांत, उनकी अपनी फिलॉसफी है। विदेश में इसको कहा इपिक्यूरियन फिलॉसफी। इपिक्यूरियन अर्थात खाने में बहुत रस है जिसको, हर दिन नए नए व्यंजन बनाओ, कल वो बनाया था आज ये बनाओ, टेस्ट के अधीन है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हैप्पी गो मैरी। ये इसी तल पर, फिर व्यक्ति जब इनसे थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर थोड़ा यहां आता है हार्ट के पास। यहां थोड़ा समाज के विषय में सोचता है, थोड़ी सोशल सर्विस करता है। ये कौन सा चक्र है हार्ट का? अनहत चक्र। यहां थोड़ा सा संसार के विषय में, अपने से थोड़ा सा बाहर निकलता है, थोड़ी सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है। समाज का क्या होगा, समाज सुधारक, समाज के विषय थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सेवा करनी चाहिए, संसार का कल्याण करना चाहिए, वहां तक सोचने लगता है। फिर इसके और ऊपर पहुंचता है इधर विशुद्ध चक्र। यहां पे व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, धर्म की खोज करता है। समाज सेवा भी बहुत कर ली, संसार का कल्याण बहुत किया, अभी धर्म क्या है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म की खोज करता है। और फिर आता है ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में ध्यान चालू होता है, मेडिटेशन चालू होता है, स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। यहां तो धर्म था, यहां अध्यात्म चालू हो रहा है। और अध्यात्म सर्व मत विहीन है, सर्व मतों से परे है। जहां धर्म समाप्त होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। लोग धर्म को ही अध्यात्म समझते हैं। यहां से अध्यात्म की यात्रा चालू होती है। और जब अध्यात्म की यात्रा में राही योगी निकलता है और सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है, तब फिर सहस्रार। तो हम बात कर रहे थे वृत्तियों की तीसरी परिभाषा। वृत्ति अर्थात हर एक जगह की वृत्ति अपनी अपनी है। यहां पे वृत्ति होगी कामुक, हर जगह काम ही दिखाई देता है। जो व्यक्ति काम के अधीन है, कामुक चित्त हो गया है, जैसे सिगमंड फ्राइड ने सब जगह लिखा है कि व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो सब काम वासना के अधीन होकर कर रहा है, सब कुछ वहां से ही उत्पन्न हो रहा है और इसी पे जीता है वो, ये उसके सिद्धांत है। पर उसे भारत के और ये ऊंची अवस्थाओं का कोई ज्ञान नहीं था, वो खुद भी उसी तल पर जीता था, और इसलिए उसने समझा उसको, पर वो खुद भी मुक्त नहीं हो पाया उससे। इसके लिए एक वो यहां की जो वृत्ति है विकारी वृत्ति है, यहां की जो वृत्ति है भोजन संबंधित वृत्ति है, यहां की जो वृत्ति है सत्ता, यहां की वृत्ति जो है समाज कल्याण, यहां की वृत्ति है धर्म जिज्ञासा जागती है कि कितना सारा जीवन व्यर्थ चला गया, अब धर्म की खोज करनी है। यहां धर्म की खोज करता है और ऊपर जाता है, ध्यान में उतरता है और ऊपर जाता है हायर चक्रास में। तो हर जगह वृत्ति अलग अलग है। तो ये तीन परिभाषा संसार की है। बाबा वृत्ति किसको कहते हैं? बाबा वृत्ति संकल्प से ज्यादा जोड़ते हैं, संकल्प से वृत्ति का निर्माण, वृत्ति से वायुमंडल, वायुमंडल वातावरण, वातावरण से प्रकृति। इस संकल्प में फिर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, फीलिंग्स, इमोशंस, भाव, भावनाएं। अपनी भाव और भावनाओं को श्रेष्ठ करो,
अपनी वृत्ति में अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करो, ऐसे मुरलियों में आता है। तो यहां कहा जा रहा है अंतिम समय की जो सेवा होगी वह वृत्ति के द्वारा सेवा होगी, और इसमें यह जो तीन चार चीजें यहां की संसार की बताई वो भी इंक्लूडेड है। जब हमारी वृत्ति शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ये जो फ्लक्चुएशंस है, मूड फ्लक्चुएशंस, अभी अभी कुछ सोचता है, बाद में थोड़ी देर में कुछ और सोचता है, अभी अभी घृणा, अभी अभी नफरत, अभी अभी प्रेम, अभी अभी व्यक्ति किसी को जाकर माफी मांगना चाहता है, उसको जाके डांट किया जाता है, उसको ही समझ नहीं आता ऐसा मैंने क्यों किया, कंफ्यूज्ड है माइंड में, क्योंकि लाइक्स डिसलाइक्स इतनी ज्यादा है। वृत्ति अर्थात वृत्ति से पार चले जाना, अर्थात लाइक्स और डिसलाइक्स से पार चले जाना, इस चक्र से बाहर निकल जाना, मन को शांत कर देना। मन जैसे कहा ना झील है, अगर ये झील है तो मन, यहां पर कोई भी वृत्ति अगर उत्पन्न ना हो, कोई भी निगेटिव, कोई भी व्यर्थ, तो अंदर जो है वो दिखाई देगा। फिर यहां पर ये जो यहां पर अभी इतना कंफ्यूजन है, ये पानी गंदा है, गंदला है, मडी वाटर है, ये जब शांत हो जाएगा, वृत्तियां स्थिर हो जाएगी, तब अंदर क्या है संस्कारों में वो दिखाई देगा व्यक्ति को, और फिर इस पर काम करेगा, और फिर इस पर इसको वो परिवर्तन करेगा। ये अंतिम सर्विस है, ये पहले अपने साथ होनी चाहिए कि हमारा मन शांत हो जाए, वृत्तियां स्थिर हो जाए, वृत्तियों में शुभ भावना भर जाए। चाहे कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी विरोधी हो, कितनी भी अपोजिशन करने वाली हो, कैसी भी हो, कितनी भी एंटी हो, हमारी शुभ वृत्ति से आत्माओं को हम परिवर्तन करें, यह अंतिम सेवा होगी। तो सारा काम उस सेवा से पहले तो यहां करना है, इनसाइड। लेक्स संडे की मूल्य में 8 बातें हैं, कौन कौन सी अरविंद भाई, वृत्ति के विषय में इनका होमवर्क है आने वाली। सबसे पहले वृत्ति सबसे तेज रॉकेट है, रॉकेट से भी तेज है वो। वृत्ति से वायुमंडल बदलेगा, वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलेंगे, यहां बैठे बैठे ही जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, जो सेवा चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि वृत्ति थॉट और वाइब्रेशन से रिलेटेड है। ये सारे एक टर्म से बाबा इन सबको एक रीति से यूज करते, विचार, विचार अलग, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, ये सब मन के झील में जैसे कि उत्पन्न हो रहे हैं। तो संसार में तो कहा है मनोनाश, मन का नाश कर दो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड, ये कहा है उनका, ये कहना है मन का नाश नहीं होता है, अर्थात मन की कुवृत्तियों का नाश कर दो, विकारी वृत्तियों का नाश कर दो, उसको उन्होंने कहा है मनोनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द निगेटिव वृत्तीज। तो ऐसा जब मन शांत हो जाएगा, विकारी वृत्ति समाप्त हो जाएगी, तो इन वृत्ति से क्या फैलेगा, फिर तरंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस, जैसे वो ट्यूनिंग फोर्क होता है ना कान में लगाते हैं, ईएनटी डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, इधर लगाते हैं कान के पास, ऐसे आवाज आता है हमिंग वॉइस, वो देखने के लिए कि कितना सुनाई आता है ऐसे, और उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क होते हैं। तो हमारा माइंड भी एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा जब होगी और स्पिरिचुअल कनेक्शन ऊपर जब होगा, तो ऐसा वाइब्रेट होगा कि यहां हम वाइब्रेट होंगे वहां दुनिया वाइब्रेट होगी, हम यहां बैठे हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में आत्मा को टचिंग होगा, कुछ हो रहा है। तो वृत्ति को पावरफुल करना अर्थात संकल्पों को पावरफुल करना, वृत्ति को पावरफुल करना अर्थात संकल्पों को प्योर बनाना, संकल्पों की जो प्यूरिटी है, संकल्पों की जो पवित्रता है, उस प्यूरिटी को ज्यादा बढ़ा देना। संकल्प जितने प्योर होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में आत्माएं प्रभावित होगी संसार की। वो न चाहते हुए भी उनके मन में पवित्र संकल्प उत्पन्न होंगे, चाहते हैं विकारी संकल्प उत्पन्न करे, कर नहीं पाएंगे। घेराव डालो संडे की मुरली लास्ट, किसका घेराव डालो, जब किसी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, घेराव डालते हैं पुलिस, वैसे तुम रूहानियत का घेराव डालो, ऐसा घेराव कि वो मोह करना चाहे पर वैरागी उत्पन्न हो।
वो देह को प्यार करना चाहे पर आत्मा को ही प्यार करे, वो देह को देखना चाहे पर देह जबरदस्त कितना भी कोशिश करने के बाद दिखे ना, उसे आश्चर्य हो ये आज हो क्या रहा है, इतनी पुरानी लंबी आदत को आज क्या हो गया। तो तो वृत्ति को पावरफुल करना अर्थात संकल्पों को पावरफुल करना, वृत्ति को पावरफुल करना अर्थात भाव और भावना को श्रेष्ठ करना। भाव और भावनाओं में जो किचड़ा है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स। सबसे ज्यादा काम विचारों से भी ज्यादा किस पे करना है, भावनाओं पर, क्योंकि हमारी भावनाएं आत्माओं के प्रति सबके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सबने ऐसे ऐसे व्यवहार किए हैं आशीष भाई कि क्या बताए, कि हर एक के प्रति कुछ ना कुछ निगेटिव समाया। संडे की मुरली, जिसके अंदर खुद निगेटिव है वो दूसरों को निगेटिव से कैसे मुक्त करेगा। तुम तो वो हो जैसे साइंस वाले रफ चीज जो होती है ना उसको ठीक कर देती है, अच्छा बना देती है, बेस्ट बना देती है वेस्ट को, वैसे तुम पहले अपने विचारों को तो शुद्ध करो, विचारों को तो पॉजिटिव बनाओ। निगेटिव समाया हुआ है, यदि हम अपने आप को देखेंगे, पिछले एक हफ्ते को ही देखो, चलो जीवन को छोड़ दो, इस एक हफ्ते में कितने लोगों के प्रति निगेटिव चले होंगे। ऐसा कोई है? ऐसा नहीं होगा कि किसी के प्रति भी निगेटिव नहीं चला, क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं लोग, ऐसा हम सोचते हैं, है कि नहीं? किसी ना किसी के प्रति कुछ ना कुछ निगेटिव मन में आता है, बहुतों के प्रति आता है। तो निगेटिव सोचना शक्तिशाली माइंड की स्टेज है या कमजोर? निगेटिव सोचना किसी आत्मा के प्रति, मन से उसको गिरा देना, उसको कहा नहीं हमने कुछ पर मन से उसको सोचा, उसके प्रति सोचा ये आत्मा ऐसी है, इसके संस्कार ऐसे ही है, ये तो कुछ काम की नहीं है, ये ना पुरुषार्थ करती है ना योग करती है। एक तीव्र पुरुषार्थ का, पुरुषार्थी का एक अहंकार आ जाता है तीव्र पुरुषार्थियों को, और सबसे बड़ी माया है वो कि दूसरे कम पुरुषार्थी है हम ज्यादा पुरुषार्थी है, ये सोते हैं अमृत वेला करते हैं, इनको अमृत वेला नींद आती है हमको नहीं आती, हम मुरली याद रखते हैं इनको कम याद रहती है, हम ज्यादा योगी है ये कम योगी है, हम ज्यादा होशियार है ये कम होशियार है। एक सूफी या कहीं की एक मुहावरा या कहावत है कि अपने से सामने वाले को छोटा समझने की गलती नहीं मत करना, हो सकता है वो तुमसे भी बड़ा पागल हो। तो वृत्ति को स्ट्रांग बनाना, पावरफुल बनाना, पॉजिटिव बनाना, शक्तिशाली बनाना, भावनाओं का प्यूरिफिकेशन करना। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भावनाओं को प्यूरिफाई कैसे करें, क्योंकि भाव लोगों ने हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, किसी ने टॉन्ट मार किए है, किसी ने कमेंट पास किए है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने अविश्वास किया है, किसी ने दोष लगाया है, झूठे झूठे झूठ बोला है, किसी ने फंसाया है, किसी ने षड्यंत्र किया है, कोई करने की तैयारी में है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई जानबूझ के वैसा कर रहा है ताकि हम आगे ना बढ़े, कोई जानबूझकर बाधा बन रहा है, कोई हमारी परीक्षा ले रहा है, वो सोचते हैं हम इनके गुरु है, उधर तो उधर गुरु बनने का चांस नहीं मिला तो इधर हम गुरु बन के दूसरों की परीक्षा लेंगे। अपमान किया, इंसल्ट की, आलोचना की, निंदा की। एक संत थे तो एक व्यक्ति ने उनके विरोध में किताब लिखी, पूरी किताब ही लिखी उनके विरोध में, इतनी उनकी निंदा की उसमें, इतनी निंदा की कि उसके हर प्रवचन का खंडन किया, उसकी हर बात का खंडन किया, हर चीज का खंडन किया, और बहुत सारी मतलब इधर उधर की बातें भी उसको अच्छा एकदम परोसने लायक मटेरियल बना दिया, डिलीशियस टेस्टी मटेरियल। और पब्लिश करने से पहले उन्होंने उसी संत को भेजी कि एक बार पढ़ लो भाई, देख लो हम ये पब्लिश करने जा रहे हैं आपके ऊपर ही है। तो उन्होंने वो पढ़ा और उसमें तो सब बहुत सारी गलत बातें भी थी और सारा उनका विरोध ही था,
तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति को बहुत अच्छा है, इसको जरूर प्रकाशित करो, बहुत बिकेगी। इसको जरूर प्रकाशित करो, बहुत बिकेगी, सेल लाइक हॉट केक्स। तो जो हमारी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, अच्छा कहते हैं, वाह वाह करते हैं, उनके प्रति शुभ भावना, वो हमारे दोस्त, उनके प्रति मुस्कुराहट, संडे की मुरली, कोई आए खाली ना जाए, उनको हम दे रहे कुछ, वो तो बहुत आसान है। पर ये जो है, क्या कहेंगे इनको, हमारे जो परम हित चिंतक है, ये जो लिस्ट बताई, जिन्होंने ठान ली है कि इनको हमें संपूर्ण बनाना ही है, जो चाहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ योगी बने, स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात मान नाम मान शान निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब में जो समान रहे, ये कोई ना, ये चाहते हैं कि हम ऐसे पावरफुल योगी बने, इनको हर चीज का अनुभव, इनको इंसल्ट का भी अनुभव हो, इनको धोखे का अनुभव हो, इनको अपमान का, इनको निंदा का, ग्लानी का, नहीं तो कौन देगा हमको ये अनुभव। वो तो मंथरा है सबसे श्रेष्ठ पात्र रामायण की, कितना वो मंथरा ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि रावण का अंत हो, नहीं तो कहां जाती थी वो, दूसरी रानियों अगर रहती थी तो कहां, राम तो जाता ही नहीं था। तो ये आत्माएं कौन है, हमारे परम शुभ चिंतक, हित चिंतक, जिन्होंने ये पान का बेड़ा उठाया है, ये दायित्व अपने कंधों पर लिया है, ये हमें संपूर्ण बनाने का, सुधारने का नहीं, संपूर्ण बनाने का। हाँ, कितनी बड़ी रिस्क ली है, कितनी बड़ी रिस्क ली है, दे हैव बिल्ड द कैट, उन्होंने ये रिस्क ली है कि उनको पता है ये करने से इनके मन में हमारे प्रति निगेटिव हो सकता है, पर इसकी परवाह न करते हुए अपना पुरुषार्थ छोड़ के, अपना ज्ञान योग तपस्या सारी दांव पर लगाकर उन्होंने ये परम कर्तव्य अपने ऊपर लिया है कि इनको संपूर्ण बनाना है। कितना निस्वार्थ भाव उसमें झलक रहा है मीना सिस्टर, कितना निस्वार्थ भाव है, ऐसा रहम दिल कोई देखा, अपना जीवन दांव पे लगा दिया, पूरा ब्राह्मण जीवन दांव पे लगा दिया, बाबा की याद, ज्ञान की चिंतन मनन सब एक तरफ रख दिया, नहीं पर वो सब छोड़ा, पर भाव कौन सा है, कल्याण का है ना, किसी को संपूर्णता तक पहुंचाना, खुद पीछे रह जाना, दूसरों को आगे बढ़ाना, पहले आपका पार्ट बजाना, ये कोई साधारण त्याग, ये तो महात्यागी है, परम वैरागी है, परम कल्याणकारी है, परम हितेशी है हमारे, ऐसे जो हमारे हितेशी है, तो उनके प्रति उनके प्रति तो पहले धन्यवाद कि आप आए, आपने इतनी जो निंदा की, नहीं तो हम तो खुशियों के मारे उड़ रहे थे तारीफ में, उड़ रहे थे ऊपर, लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे और हम आकाश में उड़ रहे थे, चढ़ रहे थे झाड़ पर, अच्छा किया तुम आए और हमें बता दिया हम है कहां। तो इतनी बड़ी जिन्होंने रिस्क ली, उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद, हमें बेस्ट बनाना चाहते हैं वो, उनके लिए शुभ भावना। शुभ भावना क्या, उनके लिए तो शुभ भावना बहुत ही छोटा शब्द है, उन्होंने पूरा कुर्बानी दी है हमारे लिए, अपने ज्ञान योग की, व्यक्तिगत स्वार्थ की, निहित स्वार्थ की, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की, सब संबंधों को ताक पर लगा दिया है। तो उनका बहुत धन्यवाद। तो उनके प्रति भी हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ऐसी कैसी, जैसे उनकी हमारे प्रति है, तो ऐसी वृत्ति उनके प्रति भी, तब हमारी वृत्ति शक्तिशाली होगी, तब हम सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। किसी एक के प्रति भी निगेटिव है तो हमारे निगेटिविटी उनको पॉजिटिव कभी नहीं कर सके। एक माता फोन करते रहते ना कि मेरा पति है बहुत दारू पीता है और उसके प्रति फिर निगेटिव हो गया, वो तो गलती कर रहा है, वो क्रोध करता है, दारू पीता है, पर ये इनके इनके मन में उसके प्रति घृणा भर गई है, तो कैटेगरी तो एक ही होगी ना दोनों की, तो कैसे कल्याण करेंगे। जिसका कल्याण करना है
उसके प्रति सबसे पहले डिटैचमेंट चाहिए, उसके प्रति संपूर्ण पॉजिटिविटी चाहिए। उसके प्रति एक भी नेगेटिव है हमारे अंदर तो हम उसका कल्याण कभी नहीं कर सकते। हम सोचते वो सुधर जाए, नहीं सुधरेगा। कारण हम खुद, हमारे वजह से रुका हुआ है उसका सुधार, उसका कल्याण। तो वृत्ति को शुद्ध करना, वृत्ति को कंट्रोल में रखना, वृत्ति को पावरफुल करना, वृत्ति को पॉजिटिव करना, वृत्ति को व्यर्थ से मुक्त करना, निगेटिव से मुक्त करना, ये लक्ष्य है। जब ऐसा होगा तब वो वर्लपूल वॉर्टेक्स, तब वो तरंगे फैलेगी हमारी पावरफुल वृत्ति की, और इधर आत्माओं में स्पिरिचुअल हलचल, स्पिरिचुअल क्रांति इधर लाएगी, और आत्माओं के जीवन में इधर परिवर्तन आएगा। तो ऐसा काम करना है। ज्ञान की परिभाषा, कम ज्ञानी और ज्यादा ज्ञानी की क्या परिभाषा है? सबसे पहले हम किसको ज्ञानी समझ रहे, ज्ञान किसको कह रहे? क्या ज्ञान का संबंध शरीर की आयु से नहीं है? वन, ज्ञान का संबंध शरीर के अनुभव से नहीं है। ज्ञान का संबंध अध्यात्म में कितने सालों से कौन चल रहा है उससे नहीं है। ज्ञान का संबंध व्यक्ति ने, आत्मा ने स्व कितना पुरुषार्थ किया और कितना समझा है उससे है। वो पुरुषार्थ जो कर रहा है वो कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है? वो पुरुषार्थ शायद पुरुषार्थ है ही नहीं, पुरुषार्थ का भ्रम है, पुरुषार्थ है ही नहीं। फिर वो ज्ञान होने, ज्ञानी होने का भ्रम है, ज्ञान में चलने का भ्रम है, पुरुषार्थी होने का भ्रम है। वो दिखावा है, पाखंड है, आडंबर है, दंभ है, हिपोक्रेसी, सेल्फ डिसेप्शन है। फिर उससे हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद समझना है, क्योंकि आत्माएं अलग अलग स्टेजेस पर है पुरुषार्थ की। कोई यहां है, कोई कहां है, कोई ऊपर जा रही नीचे जा रही, ऊपर जा रही नीचे जा रही, बाजोली का खेल चालू है। सुबह पुरुष, सुबह महायोगी है, दोपहर को महाभोगी, शाम को पर दुखदायी, पर पीड़ावादी, दूसरों को दुख देने में तरस आता है। सुबह संकल्प है मैं विश्व कल्याणकारी हूं, आत्माओं को इमर्ज कर रहा हूं, शक्तियां दे रहा हूं, और शाम को अपने बोल और अपने कर्म के द्वारा दूसरों को पकड़ पकड़ के टॉर्चर किया जा रहा है। फिर रात सुबह फिर से विश्व कल्याणकारी, बैलेंस। आत्मा, एक ही आत्मा में इतनी सारी चीजें चल रही है, उसको खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है, और वो खुद ही परवश है, उसे खुद ही नहीं समझ रहा है मैं ऐसे कर क्यों रहा हूं, कंफ्यूज्ड है आत्मा। खुद ही आत्मा कंफ्यूज है, क्योंकि वृत्तियों में इतनी हलचल है, अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो शांत हो जाए, कट ऑफ हो जाए सब तरफ से, और एकांत में बैठे और खुद को देखे, चार घंटा, आठ घंटा, बिल्कुल सब मोबाइल बंद, सब कुछ एक तरफ, और केवल। इसके लिए कहा जाता है जब लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, जब लोग वो एरिया में जाते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां पे उनका चिंतन प्रखर हो जाता है, क्योंकि यहां स्क्रीन टाइम बार 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 बार, मोबाइल 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 मोबाइल, ये सब। जब इंटरनेट फ्री जोन में एंट्री करती है आत्मा, तब शांत होती है। जब सब सोशल मीडिया से थोड़े समय के लिए पूरी, इसके लिए कहा ना, कैंप में जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वो सब, ये सब कुछ भी चलता नहीं वहां पर, ऐसी एरियाज में, और वहां जाके उनके अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, उन लोगों के जो आध्यात्मिक नहीं है, बाहर वाले, उनको भी अच्छे अनुभव होते हैं। नहीं तो यहां तो ऑनलाइन अब्यूजेस का खेल चालू रहता है, द्वंद्व ही चालू रहता है। पहले युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में खेला जाता था, अभी सोशल मीडिया के कुरुक्षेत्र में खेला जाता है। जबरदस्त युद्ध चालू है अभी यहां पर, ट्वीट करो, इसने ये ट्वीट किया, हमने वो ट्वीट किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने अभी तक कुछ कहा नहीं, तब तो कहा था, अब क्यों नहीं कहा? इतनी बड़ी पार्टी का मेंबर है, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसकी निंदा अभी तक की नहीं इसने। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वृत्ति को देखने के लिए शांत चाहिए, तरंगे उत्पन्न ना हो के लिए कोई बाहर से कंकड़ पत्थर ना फेंके, अपने आप को इंसुलेट कर देना है। तो दिनचर्या में कुछ समय ऐसा हो कि सबसे अलग हो जाना है, और उस आत्मा को भी साक्षी होकर देखना है, और स्वयं को भी साक्षी होकर देखना है। और एक आत्मा ऐसी हमारे जीवन में होगी, कभी ज्यादा भी हो सकती है, जिससे जबरदस्त हिसाब किताब है, बहुत कड़ा हिसाब किताब है, और जो सब कुछ करने के बाद भी चालू है, तब क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए?
जिसके लिए सब कर लिया, ज्ञान योग से रिलेटेड जो भी है। ये अच्छा है, उसको पूछ लो कि हमने तो सब कर लिया, माफी मांग ली, माफी कर दी, तुमको धन्यवाद भी दे दिया, रोज अमृत वेला 21 दिन तक प्रकाश दी, अब फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, अब तुम ही बताओ। नहीं पर करे क्या, अब आप ही बताओ क्या करे, एक तो ये उसको पूछ लेना और क्या करे। अब हार ही मान लो बाबा कि अब हो गया हमारा, अब तुम ही होशियार हो, तुम ही सब कुछ हो, साइलेंट मोड में चले जाओ, शांत हो जाओ। तो स्पिरिचुअल होशियारी अर्थात शांत हो जाना, आध्यात्मिक रीति से होशियार अर्थात होना अर्थात चुप हो जाना, नो रिस्पॉन्स, साइलेंस इज द लास्ट आंसर। कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ना, वो उधर से बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलो, कुछ भी सिद्ध नहीं करो कि मैं राइट हूं, मैंने जो किया वो राइट था, तुमने जो किया वो रॉन्ग था, कुछ भी सिद्ध नहीं करना, कुछ बोलना ही नहीं है। लास्ट आंसर जो है वो है मौन हो जाना, यही एकमात्र फाइनल ब्रह्मास्त्र है हिसाब किताब चुकतु करने का। बोले कि फंसे, क्योंकि जो बोलोगे वो खुद तुमको ही नहीं पता कि वो राइट बोल रहे हो कि गलत हो, सही बोल रहे हो, हम ही कंफ्यूजन में, रिलेशनशिप ही कंफ्यूजन में। तो चुप हो जाना, कभी कभी फिजिकल डिस्टेंस, पति पत्नियों के बीच ऐसा होता है जब बहुत झगड़े होते हैं वो लोग ब्रेक लेते हैं, तलाक नहीं, ब्रेक ब्रेक, वो कहता है मैं अभी कुछ दिन उधर चले जाता हूं, तुम अभी अकेले रहो, कोई कम्युनिकेशन नहीं करे, कहीं तो तुम चली जाओ। एक पत्नी मायके जाती है तो वो वहां से खत लिखती है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, संकट टला नहीं है, मैं वापस आ रही हूं। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक लास्ट उदाहरण, फिर क्लास को पूरा करते हैं। एक बादाम बेचने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही अच्छा, बादाम इधर ही है, तो वो बहुत चालाक होता है। तो वो कहता है, एक आदमी उसके पास आता है, बोलता है बादाम खाने से क्या होगा, बोलता है बादाम खाओगे ना तुम होशियार हो जाओगे। बोले प्रमाण दो, तो बोलते ठीक है बताओ, एक किलो चावल में कितने दाने होते हैं। तो बोलता है मुझे तो नहीं पता, नहीं पता ना, तो बोलते है अभी बादाम खाओ। तो वो बादाम खाते, आप बताओ एक दर्जन केले में कितने होते हैं। वो कहते हैं 12। हो गए ना दिमाग तेज। तो बोलते अरे वाह पूरा दे दो। ओम शांति।